नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन वंस अगेन। और आज सुबह सुबह ये देखिए फिर से मोर आजकल रोज़ आते हैं हमारे यहाँ पे, लगते तो बड़े खूबसूरत हैं। और 10-12 की पूरी टीम आती है इनकी, और मैं 6 बजे ऊपर आ जाती हूँ सुबह सुबह छत पे, उससे भी पहले के ही आए हुए होते हैं और ककड़ी बिल्कुल साफ़ कर देते हैं। अब तो मुझे बड़ा बचा के रखनी पड़ती है, तब मुझे रोज़ 2-3 एक मिल जाती हैं, अदरवाइज़ 2-3 इनके हिस्से की होती हैं। आगे निकल गए हैं और तो बाकी थोड़ा देर से मुझे ध्यान आया कि इनकी वीडियो बनाऊं। बड़ा अच्छा लगता है, कई बार तो नाचते हैं जब पंख फैला के, पर नुकसान देखो बहुत कर देते हैं मेरा। चलो कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है, रोज का कार्यक्रम रहता है इनका। आज के वीडियो का विषय हमारा ये नहीं है। आज के वीडियो का विषय ये है कि आज मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ, मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र डे है आज। और कई दिनों से सोच रही थी मैं, पर टाइम नहीं मिल पा रहा था गर्मी की वजह से। आज थोड़े से बादल से हुए थे सुबह, तो मैंने कहा सुबह ही दे देती हूँ मैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम लोग आज प्लांट्स को देने वाले हैं। महीने में मैं एक बार देती हूँ, और चाहे तो वर्मी कंपोस्ट गला के बना लो, चाहे गोबर के उपले कंडे जो होते हैं वो गला के बना लो, या फिर है ना गोबर की खाद भी गला के बना सकते हैं हम लोग। तो मेन तो हम इसका जो सोर्स है वो यही रखते हैं, कंपोस्ट ही का, गोबर की या कोई भी कंपोस्ट की हुई जो वॉल्यूम खाद होती है उसको ही मिक्स करते हैं। यहाँ पे ये जंगल बन चुका है बिल्कुल मेरा, मुझे कुछ नहीं मिलता अब इसमें। तो ये देखो 40 लीटर का मेरा टब है, आज मैं इसी में बनाती हूँ, आसानी से है ना लग जाती है सारे प्लांट्स में फिर। और इसको कई बार मुझे डाइल्यूट करना पड़ेगा। ये देखो 5-6 लीटर में मैंने एक ही बड़ा वाला उपला मिलाया था, गलाया था, 4-5 दिन हो गए मुझे, 4-5 दिन में तैयार हो जाती है, 3 दिन में ही तैयार होने लग जाती है ये। तो ये कंपोस्ट ही तो तैयार है, और मैंने कम इसलिए मिलाया था, मेरे पास प्लांट तो बहुत ज़्यादा है, बट है ना कि मेरे को और भी चीज़ें इसमें थोड़ी सी मिक्स करनी थी, तो मेरे पास एक ही बचा हुआ था तो मैंने ये गला के बना लिया। तो आप खाली ये भी कंपोस्ट ही भी सिर्फ कंडों को गला के भी यूज़ कर सकते हैं, आपके प्लांट्स के हिसाब से 3-4-5 जितने भी आपको लगता है कि सफिशियंट है। और फिर उसको बढ़िया सा डाइल्यूशन भी देना पड़ेगा, नहीं तो गर्मियों में फिर प्लांट्स के बर्न होने के चांस होते हैं, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र एकदम से जड़ें है ना खींच लेती हैं, वो जड़ों को लगता है सीधे जाके। सूखा वाला तो धीरे धीरे है ना स्लो रिलीज़ होता है, और ये एकदम से रिलीज़ होता है तो है ना नुकसान हो जाता है कई बार अगर तेज़ है आपका तो। और ये सारी खादें जितनी भी हैं ये सब तेज़ ही होती हैं, तो इनको थोड़ा डाइल्यूशन की ज़रूरत ही होती है अगर आप लिक्विड बना रहे हैं तो इनका। तो इस तरह का इसका कलर दिखने लगा है, और अब मैं इसमें कुछ और चीज़ें भी मिक्स करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मेरे सारे प्लांट्स बढ़त ले चुके हैं तो उनको पोटाश की भी लगातार ज़रूरत है, क्योंकि फूल और फल देने के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है। और फॉस्फोरस मैंने पिछली बार दे ही दिया था कि अच्छे से जड़ रहे, उनकी मजबूत रहे। तो ये देखो 5-7 लीटर में मैंने ये गलाया था, और मैं सारा का सारा डाल रही हूँ इसमें। मैं बार बार डाइल्यूट करती रहूँगी, क्योंकि बड़े ग्रो बैग्स में मैं थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग दे दूँगी तो वो पूरा अच्छी जगह होती है फैलने की उनको, तो वहाँ पर फैल जाएगा। और बाकी जब छोटे होते जाएंगे प्लांट्स तो मैं इसको अच्छे से डाइल्यूट करती जाऊंगी। और ये मेरा गया बायो एंजाइम, लगभग 50 ml के करीब ही बचा था मेरी इस बॉटल में, सारा मैंने डाल दिया है इसमें। अच्छा, कंपोस्ट को आप फॉयलर स्प्रे के रूप में भी दे सकते हैं, पत्तियों पे आप स्प्रे कर सकते हैं अच्छे से छान के बिल्कुल बारीक कपड़े से। और ये देखो सीवीड सागरिका मैं डालूंगी इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए, उसका भी काम हो जाएगा। कितना डालना है, अब ये इंस्ट्रक्शंस हमेशा बॉटल्स पे लिखी होती हैं, इसलिए आप वो फॉलो कर लीजिए या फिर उससे थोड़ा कम ले लीजिए। अब जैसे एक लीटर में 5-10 ml है ना सीवीड मिलाना होता है वैसे तो, और मैं कोई ज़्यादा बना रही होती हूँ और एक साथ डालूँगी तो थोड़ा कम मिलाती हूँ, बस उस हिसाब से, उतना फॉलो नहीं करती मैं इस चीज़ को। तो अब ये 10 लीटर का मेरा कैप है, तो मैं 4 या 5 कैप डाल दूँगी इसमें, टब में बहुत होगा। और ये मेन जो मेरा इस बार मैं मिलाने की इच्छा रख रही थी पोटाश के लिए, तो पोटाश के लिए ये मैंने जैविक खाद जो है इफ़को से मंगाई हुई है, लिक्विड फॉर्म में आती है ये। तो ये आपके जो पोटाश के जितने भी है ना अंदर है ना माइक्रोब्स होते हैं उनको है ना आपके प्लांट तक पहुंचाने का काम करता है इजीली, और काफ़ी बढ़िया तरीके से ना उनमें फ्लावरिंग होती है और है ना फल बनते हैं। तो एक ढक्कन बहुत है इसका,
20 ml का कैप है ये, क्योंकि ये तो एकड़ वाली ज़मीनों में लगने के लिए है पूरी बॉटल, तो हमारे तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो एक ढक्कन काफ़ी होता है इसका। NPK वाला जो लिक्विड NPK है वो मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन तो कंडे से भी काफ़ी बन गया होगा और ऑलरेडी है ना प्लांट ग्रोथ ले चुके हैं मेरे, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है अब उनको, फूल और फलों की ज़रूरत है। तो ये मेरा तैयार हो गया है, अब मैं इसको डाइल्यूट करूँगी, पूरा टब में भर लेती हूँ और उसके बाद भी मैं डालने के बाद बार बार इसमें पानी मिलाती रहूँगी, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र का एक्सपीरियंस कई बार है ना गड़बड़ा जाता है आपका, जब प्लांट्स आपके थोड़ा सा भी तेज़ हो जाए तो बर्न होने लग जाते हैं भरी गर्मी में, तो मैं बिल्कुल ज़्यादा डाइल्यूशन के साथ ही डालूँगी। अब देखो 6-7 लीटर मेरा पानी था वो बनाया था मैंने, मेन जो है वो कंपोस्ट ही, और उसमें ये 40 लीटर का मेरा टब है, तो कितना पानी डल गया है अब आप ये देख लीजिए, 6-7 गुना तो ये अभी तक हो चुका। और मैं 2-3 बाल्टी बड़े ग्रो बैड्स में डालने के बाद फिर से इसको डाइल्यूट कर लूँगी, मतलब पूरा भर लूँगी फिर से, क्योंकि बड़े ग्रो बैड्स में क्या है मिट्टी में आराम से ज़्यादा जगह होती है ना, तो फैल जाएगा, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी चल जाता है। ऐसी इसी तरह से मैं देती रहूँगी अपने प्लांट्स में। ये देखो ये बड़ा वाला मेरा 6.5 फीट वाला जो ग्रो बैड है, एक 4 लीटर की बाल्टी है ये मेरी ब्लैक वाली, तो ये एक बाल्टी में इसमें दे दूँगी पूरा, और थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैं फैला रही हूँ जिससे कि पूरे ग्रो बैड में ये फैल जाए। प्लांट्स के हिसाब से नहीं दे रही मैं, प्लांट के ऊपर दे भी नहीं रही हूँ, थोड़ा दूर दूर जो जगह बची हुई है ना उसमें चला रही हूँ मैं, जिससे बस एक लेयर पूरे ग्रो बैड पर बन जाए इसकी, ऐसा नहीं है कि कोई जगह रह जाए, कहीं से भी सारे में प्लांट्स लगे हुए ले सकें। तो देखो अब इसमें कंपोस्ट ही है, तो आप नाइट्रोजन की भी पूरी मात्रा है, पोटाश फास्फोरस की भी होती है उसमें, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हमने दे दिए हैं सागरिका के रूप में, और पोटाश मैंने अलग से भी दे दिया है, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी सी ज़्यादा है ना ज़रूरत होती है पोटाश की प्लांट्स को। तो हो गया कम्प्लीट फर्टिलाइज़र, मैंने इसी तरह से आपको पहले भी बताया था वो जो रूट फिलिंग के टाइम पर मैंने सूखा बनाया था, तो इसके अलावा प्लांट्स को और क्या चाहिए, आप है ना बढ़िया तरीके से है ना महीने में 2 बार अगर फर्टिलाइज़र ऐसे दे देते हैं अपने प्लांट्स में तो, और कुछ स्पेशल नीड मैंने आपको पहले भी बताई थी कैल्शियम और एप्सम सॉल्ट वगैरह की होती हैं कुछ प्लांट्स को, तो वो आप अलग से है ना एक चम्मच है ना डाल दीजिए, सब में ज़रूरत नहीं होती उसकी। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि लौकी में किस तरह से दें हम एप्सम सॉल्ट, और वो तो मैं नहीं देती हूँ उसमें लौकी में कैल्शियम और एप्सम सॉल्ट अलग से, जो भी है ना मैग्नीशियम और कैल्शियम थोड़ा बहुत ही बाकी खाद के साथ जाता है ना वो काफ़ी होता है उसके लिए। मैंने आपको बताया था कुछ शिमला मिर्च है टमाटो है बैंगन है, इनमें थोड़ा एक्स्ट्रा डोज चाहिए होता है, बाकी प्लांट्स में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो बस इसी तरह से मैं इसको देती रहूँगी। अब ये देखो खाली हो गया है, 3-4 बाल्टियाँ इसमें से निकल गई हैं, फ्रूट वाले प्लांट में भी डाल दिया है मैंने, अब मैं इसको पूरा भर दूँगी फिर से, तो ये और थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, तो छोटे जो अब धीरे धीरे प्लांट्स आते जाएंगे ना छोटे जो पॉट्स में लगे हुए हैं फिर उनके लिए ठीक रहेगा ये, थोड़ा और हल्का हो जाएगा ये। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आपको कोई मात्रा भी बता रहा हो ना तो आप अपने हिसाब से एक हाथ खींच के उसमें थोड़ा कम ही रखें वो, और भी ज़्यादा जो 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 मात्रा आपको बताई जा रही हो ना, क्योंकि अगर हल्का है तो आप ठीक है थोड़े दिन बाद दोबारा दे सकते हो, पर अगर तेज़ हो गया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता, हाफ बर्न भी हो जाएगा ना आपका प्लांट, तो आप मान लीजिए 1-2 महीना पीछे चला गया आपका प्लांट, फिर से रिवाइव करेगा फिर बढ़ेगा, तो है ना सीज़न निकल जाता है इतने में, तो इसलिए आप हल्का ही रखें, मैं हमेशा बार बार कहती हूँ आपको, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है इतना, इतने पुराने मैं गार्डनिंग कर रही हूँ तब भी ऐसा होता है कि सरसों की खली तो हमेशा से ही मेरी गर्मी में तो मैं बिल्कुल छोड़ देती हूँ देना, प्लांट्स को जलाती ही जलाती है, चाहे कितनी हल्की रखूँ मैं, तो मैं इसको थोड़ा सा है ना ध्यान से ही देती हूँ बस। अब ये छोटे प्लांट्स में जैसे डाइल्यूट कर दिया मैंने, तो ये और है ना थोड़ा 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 डाल देंगे, और मात्रा की कोई ख़ास बात नहीं होती कंपोस्टी में,
आपको अपने आप पता चल जाएगा। 5-6 इंच का अगर पॉट है आपका तो 100 ml भी बहुत होता है, 9 इंच तक के पॉट में भी। 12 इंच का है तो आप 200 ml 250 ml डाल लीजिए। और ये डाइल्यूशन पर डिपेंड करता है, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा और भी कम डाल सकते हैं आप, अगर पानी अच्छे से मिलाया हुआ है आपने तो आराम से डाल लो जितना जी चाहे। और ऐसे ऐसे पॉट्स जिसमें जगह नहीं होती सूखा फर्टिलाइज़र डालने के लिए, उसमें ये बहुत बढ़िया साबित होते हैं कि आपको खाद भी लग जाती है प्लांट्स को और है ना दिक्कत भी नहीं है कि सूखा वाला फर्टिलाइज़र नहीं आ रहा। और न्यूट्रिशन कंपोस्टिंग में भी वही सब होता है जो सूखी वाली खादों में होता है। अच्छा, कितने दिन तक इसको बना के रखें इसके बारे में बहुत सारे है ना कन्फ्यूज़न है, मैंने कई जगह पढ़ा है अच्छे लेटर्स में भी। तो ज़्यादातर राय तो यही है जब तक इसमें बैड स्मेल, वैसे बैड स्मेल नहीं आती, हम लोग कहते हैं इसको जो है ना खमीरी स्मेल होती है या फिर ज़मीन की जो स्मेल होती है वही आती है इसमें ज़्यादातर। अगर आपके बहुत गंदी बदबू आने लगी है तो समझ लीजिए फिर ये काम की नहीं है। तो बहुत ज़्यादा 7-8 दिन से ज़्यादा इसको है ना बना के ना रखें, या हमेशा अगर आपके पास बनी रहती है तो बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ के फिर और नया पानी डालते रहे उसमें, जिससे जल्दी बनती रहे। ये नहीं है कि एक बार है ना आपने बना के रख दिया और महीनों तक है ना उसमें ड्रम में चल रहा है, ये बैड स्मेल आने लग जाती है तो फिर ये ख़राब हो जाता है, फिर कोई काम की नहीं रहती ये। और ये देखो बीन्स की भी शामत आने लगी है, अभी तो आने ही लगी है मेरी बीन्स। ये चिड़िया है विभिन्न प्रकार की, मैं कभी है ना कैमरे में कैद नहीं कर पाते हैं क्योंकि उड़ जाते हैं पक्षी वगैरह, तो पर 22-23 तरह की मैंने एक दिन है ना नोट किया था। इतनी सुंदर सुंदर चिड़ियाँ आती हैं अलग अलग कलर्स की मेरे किचन गार्डन में, बहुत प्यारी लगती हैं वैसे तो, पर हाँ नुकसान भी काफ़ी कर देती हैं। पर बर्ड से तो बर्ड नेट डाल के आप बच सकते हो। तो ये देखो अभी ये मेरे ना 15 इंच के या 18 इंच के, ये इनका साइज़ मुझे अच्छे से याद नहीं है, बड़े वाले जो ग्रो बैच हैं उसमें ये मैं 300 ml का मेरा ग्लास है, एक एक ही दे रही हूँ मैं, क्योंकि बीन्स वगैरह को वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है खाद की ज़रूरत नहीं होती। और ये मेरा पुदीना, इसमें भी कंपोस्ट ही बड़ा अच्छा काम करती है, पुदीने में खुशबू भी बढ़ाती है और है ना ग्रीन भी बिल्कुल कर देती है इसको, देखा है मैंने। क्योंकि मेरे पुदीने में इसमें जगह नहीं होती, बिल्कुल फैला होता है सूखा फर्टिलाइज़र देने की, तो मैं हमेशा लिक्विड ही देती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, आप भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाएंगे और अपने प्लांट्स में देंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।